जी नमस्कार, मैं जिया शर्मा जैक्सन, प्रेसिडेंट आज जे एंड के कोरियोग्राफर एसोसिएशन जम्मू। देखिए, आज जो आपको मीडिया को बुलाने का मकसद है, एक तो हम लोग ये अपना फॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जो एसोसिएशन का फॉर्म है, और इसके माध्यम से हमारे जितने भी जम्मू जे एंड के कोरियोग्राफर हैं वो जुड़ेंगे, डांसर हैं, परफॉर्मर हैं, सभी इस फॉर्म को भर के एसोसिएशन को देंगे और एसोसिएशन जो है वो उनके मसले हल करेंगे। क्या स्कूल का मसला है, किसी डिपार्टमेंट की पेमेंट का मसला है, कोई प्रोग्राम का मसला है, ये सारे मसले उनके हल करेंगे। दूसरे नंबर के कोविड 19 के चलते हमारे इंस्टीट्यूट बंद हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से नहीं मिली है कि हम अपने इंस्टीट्यूट कब खोलें और कैसे उनको बच्चों को क्लास कैसे लगाई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हम लोग क्लास लगा सकते हैं, जहाँ 20 बच्चे वहाँ 10 बच्चों की क्लास लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें अभी तक कोई ऐसी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली है। और एक ऐसा कोई बजट, ऐसी कोई पेमेंट, ऐसा कोई हमारे स्कूल का हमारे आर्टिस्टों पर नहीं, गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं हमें दी है, कोई पढ़ने का सुनने को नहीं मिला है कि आर्टिस्टों के खाते में कुछ ना कुछ आएगा। अगर म्यूनसिपलिटी के थ्रू या इनके थ्रू रेडी वालों को 10,000 कर दिए जाए, आर्टिस्टों को क्यों? आर्टिस्ट तो अपने कल्चर को बचाता है, अपनी स्टेट को बचाता है, अपने आप को जोखिम में डाल के तालियों का भूखा आर्टिस्ट जो, अगर उसको घर भी तो चलाना है ना, गवर्नमेंट अगर कुछ 4 पैसे देती है तो आर्टिस्टों का घर चल सकता है। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, अभी तक हमें पिछली पेमेंट्स नहीं मिल रही। देखिए, अभी 2 पेमेंट आई थी हमें प्रोसेस करने के बाद, लेकिन उसके बाद भी पेमेंट हमारी आती है वो भी नहीं। कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, दूरदर्शन के, अकेडमी के, और नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं, वो भी नहीं हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एज साहब से ये गुजारिश है कि जम्मू के आर्टिस्टों के बारे में, कोरियोग्राफर्स के बारे में जरूर बताया जाए। जय।